अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री। आवर टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। हम देखेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम जनरेट होता है तो उस इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और इस तरह के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका क्या इफेक्ट है, ठीक है, और वो किस तरीके से हेल्पफुल हैं फॉरवर्ड या रिवर्स रिएक्शन को पुश ऑन करने में। तो सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। वो ली चैटलियर क्या कहता था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं रिएक्शन के अंदर या रिएक्शन या सिस्टम के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है, तो उस टाइम पे रिएक्शन टेंड करेगा अपने आप को उस डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा कि वो उस चेंज को ख़त्म करने की कोशिश करेगा वो, ठीक है, जो हमने क्रिएट की होगी। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, अगर हम एक रिएक्शन को लें बिस्मथ ट्राइक्लोराइड को वाटर के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl प्रोड्यूस करता है। अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों तरफ से रिएक्शन हो रहा है, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, अगर हम HCl की कंसंट्रेशन ऐड करें रिएक्शन मिक्सचर में एट इक्विलिब्रियम पोजीशन तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब रिएक्शन जो होगा वो इस एडिशनल HCl कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, यानी वो रिवर्सिबल रिएक्शन में जाके BiCl3 प्रोड्यूस करेगा और H2O प्रोड्यूस करेगा, उनकी अमाउंट को बढ़ा देगा, बढ़ाता जाएगा ताकि वो दोबारा से न्यू पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सके। सिमिलरली अगर हम प्रेशर या वॉल्यूम की बात करें तो ये गैसियस रिएक्शंस के केस में हम प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं, तो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे किसी भी रिवर्सिबल गैसियस रिएक्शन में, जिस तरीके से यहाँ पे आपको एग्जांपल गिवन है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड गैस के दरमियान जो इक्विलिब्रियम जनरेट होता है, तो इस पॉइंट पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इसी हिसाब से केसी वैल्यू पे इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर हम प्रेशर को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और फिर जो रिएक्शन होगा वो उसी हिसाब से मूव करेगा, ठीक है। तो आपने एक दफ़ा इसके कंसेप्ट लेना है, इसको रीड कर लेना है और बेसिक क्या बात वो कह रहे हैं उस दो या तीन लाइन्स में उनको एक्सप्लेन करना है कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा केसी वैल्यू पर, रिएक्शन किस साइड पर मूव करेगा, और अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली वो कहते हैं कि वॉल्यूम का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या इम्पैक्ट है, तो अगर अबव रिएक्शन को ही हम देख लें तो यहाँ पे देखें जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड मोल पर डीएम क्यूब के हिसाब से वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, जिस तरह से हम पहले केसी की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं अबव टॉपिक्स में, तो अब देखें कि केसी जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेटेड है, वॉल्यूम नॉमिनेटर में, ठीक है, तो वॉल्यूम का जो का इंक्रीज या डिक्रीज जो है वो केसी वैल्यू को डायरेक्टली इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। अगर केसी वैल्यू जो है अगर हम लाइक प्रोडक्ट को इंक्रीज करें, ठीक है, तो वॉल्यूम पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें, अगेन वॉल्यूम पे इंपैक्ट करेगा, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट को कम करें यानी उसका वॉल्यूम कम करा दें तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ताकि वो जो प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स हैं उनके वॉल्यूम को भी उसके इक्विवेलेंट लेके आए और जो इक्विलिब्रियम है दोबारा से जनरेट हो सके। तो इसी तरीके से अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और केसी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और केसी अगर वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट ए बी जो है वापस में रिएक्ट करके एक्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। तो और अगर अब नीचे रिएक्शन रिलेशनशिप का आपको दिया हुआ है, अगर केसी जो है वॉल्यूम से इन्वर्सली रिलेटेड है तब क्या इंपैक्ट होगा, तब इसके बिल्कुल इन्वर्स इंपैक्ट होगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, रिएक्टेंट्स वगैरह की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो प्रेशर ज़्यादा होगा टूवर्ड्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की तरफ जो है वो जो प्रेशर है वो प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और रिएक्टेंट्स की तरफ प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वो रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल ऑन करेगा, सही है। तो बिल्कुल, तो इनके रिलेशनशिप्स को आप लोगों ने देख लेना है। देन इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर क्या है, अगर हम टेम्परेचर एक्सटर्नली प्रोवाइड करते हैं तो मींस दैट विल फेवर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज देखें, टेम्परेचर सोर्स ऑफ हीट है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो हीट प्रोवाइड की जाएगी सिस्टम को, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन को फेवर करेगा, ये रिएक्शन को स्पीड अप करेगा, ठीक है। और अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, हीट कॉन्टेंट डिक्रीज होगा, तो ये फेवर करेगा जस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और हमने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ऑब्वियसली जो रिएक्शन की स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन जो है वो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो डिले हो जाएगा। और अगर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर देते हैं तो उसके रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा और जो वो जल्दी अचीव होगा। तो ये टेम्परेचर का कुछ इम्पैक्ट है, ठीक है, टेम्परेचर का इंक्रीज जो है एंडोथर्मिक के केस में वेल एंड गुड है, उसको जल्दी इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके आते हैं, बट
अगर इनके इसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हमने जो है टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया है, या हम टेम्परेचर को डिक्रीज करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर पास हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम डिक्रीज टेम्परेचर दे रहे हैं, तब हमारा रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा और उसको इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर अगर हम एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर ज़्यादा दे रहे हैं, यानी जो उसको फेवर कर रहे हैं रिएक्शन को, तो जो है इक्विलिब्रियम वो जल्दी अचीव होगा। एक्सोथर्मिक के केस में भी सेम इसी का रिवर्स कंडीशन है, ठीक है? तो टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोगों ने देख लेना है। देन हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चे? कैटलिस्ट वो पार्टिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि स्पीड रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो या रिवर्स रिएक्शन हो, दोनों कंडीशंस को अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को देखें, तो फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इक्विलिब्रियम 10 मिनट्स का टाइम ले रहा था इक्विलिब्रियम कंडीशन आने के लिए, यानी दोनों प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन सेम हो, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। और रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हों, अगर वो 10 मिनट्स में ये कंडीशन अचीव हो रही है, तो हम कैटलिस्ट ऐड करने पे हमारा रिएक्शन ओवरऑल डिस्टर्ब हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। और अब ये जो इक्विलिब्रियम है वो 10 के बजाय 3 to 4 मिनट्स में अचीव हो सकता है, ठीक है? यानी रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। पहले जितना टाइम लग रहा था, अब उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा, बिकॉज एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं कैटलिस्ट। तो ओवरऑल कैटलिस्ट के एडिशन से क्या होगा, रिएक्शन का जो प्रीवियस इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब होगा और न्यू इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो ये इम्पैक्ट है कैटलिस्ट का और बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपका आज तक के लिए यहीं तक टॉपिक है। आप उसको आपने अच्छे से पढ़ना है, जो पॉइंट्स आपको समझ आए आपने मुझसे पूछने हैं, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने थॉरली इसको रीड ज़रूर करना है, और इसमें से जो भी पॉइंट्स फिर आपको समझ आ रहे हो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।